हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर बच्चों में लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी बुक ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से, जो कि क्लास थर्ड की एक बुक है। इसमें मैं चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 9 जो कि आपका जो टाइटल है चैप्टर का, वो है इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग को मैंने स्टार्ट करवा दिया था आपको पहले ही, जिसका फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जो ये चैप्टर के अंदर जो स्टोरी है हमने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा, और क्वेश्चन नंबर 5 तक भी हम लोगों ने सॉल्व किया। और फिर बाद में क्या हुआ कि एक पोयम आ गया था जिसका टाइटल जो है वो क्लाउड्स। तो मैंने आपको बोला था कि बच्चों अब इसका जो सेकंड पार्ट में ही हम लोग इस पोयम को रीड करने वाले हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, यानी कि इट्स रेनिंग के अंदर जो पोयम है क्लाउड्स, क्लाउड्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथ के साथ इसके एंड में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। तो चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। देखो बच्चों ये स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, तो ये आपको सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो भी वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और कमेंट करके अपने बारे में भी मुझे बता सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर ये इसका सेकेंड पार्ट। तो ये है बच्चों आपके इसमें ये पोएम क्लाउड्स। तो हमने रेन के बारे में पढ़े और क्लाउड्स के बारे में ना पढ़े तो भी बात पूरी नहीं होगी, इसलिए हमें रेन के साथ साथ हमें क्लाउड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब आपको क्लाउड्स के बारे में पता होगा तभी तो आप गैस कर पाओगे कि बारिश कब हो रही है, होने वाली भी है या नहीं होने वाली है। जैसे मैं क्या करता हूँ, कैसे गैस करता हूँ, अगर मुझे जो स्काई है, बादल है, एकदम क्लीन दिखाई दे रहे हैं, सफेद सफेद या नीले दिखाई दे रहे हैं, तो मैं गैस कर सकता हूँ बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन अगर ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स मैं गैस कर सकता हूँ कि बारिश हो रही है, होने वाली है या हो रही है, ये हम गैस कर सकते हैं। यानी कि आप अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी बता सकते हो, पहले बारिश आने से पहले ही आप गैस कर सकते हो कि बारिश आने वाली हो, कैसे, क्लाउड्स को देख करके। चलो चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके अंदर जो ये पोएम है इसको रीड करते हैं और समझते हैं इसके अंदर है क्या। फेयर एंड व्हाइट, अब क्लाउड्स के बारे में बताया जा रहा है आपको, क्लाउड्स कैसे होते हैं, फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। जो क्लाउड्स होते हैं वो एक मैजिक पैक के अंदर आते हैं, कैसे कैसे, फेयर यानी कि बिल्कुल साफ सुथरे दिखते हैं, कई बार आपको व्हाइट कलर के भी क्लाउड्स दिखते हैं, और कई बार आपको ये ग्रे कलर के भी क्लाउड्स दिखते हैं, और कभी कभी तो आपको ये ब्लैक कलर के भी दिखते हैं। जब भी आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे, इसका मतलब ये समझ लेना कि अब रेनिंग यानी रेन स्टार्ट होने वाला है, कि जब भी आपको ब्लैक कलर के दिखाई दे तब आप क्या समझोगे कि अब बारिश आने वाली है। तो भाई इसलिए जो पोइट है जिसने ये पोएम लिखा है बच्चों, वो आपसे कह रहे हैं द क्लाउड्स अराइव इन ए मैजिक पैक, यानी कि एक मैजिकल पैक के अंदर आते हैं। अच्छा, इसका मतलब जैसे गिफ्ट आता है पैक होके, क्या क्लाउड्स भी पैक होकर आते हैं क्या, ग्रे कलर के क्लाउड्स, फेयर क्लाउड्स, व्हाइट क्लाउड्स, और तो और ब्लैक कलर के भी क्लाउड, यानी क्लाउड भी पैक करके, जैसे गिफ्ट पैक करके होते आते हैं ना, वैसे बोला जा रहा है कि क्लाउड्स भी जैसे पैक होकर के आते हैं। एक पैक में कैसा पैक है, एक मैजिक पैक, एक जादू का पैक होकर के आता है, अलग अलग कलर के अंदर आता है। अच्छा भाई चलो आगे देखते हैं क्या होता है। द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, अच्छा हाँ, हम लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों ने कि जो क्लाउड्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स में आपको दिखाई देते होंगे, डिफरेंट शेप्स में आपको दिखाई पड़ते होंगे। कई बार आपको ये सन की जैसा शेप, सर्कल जैसा हो जाता होगा, कई बार आपको किसी का फेस भी दिखाई देगा, ऐसे स्माइली बना हुआ भी क्लाउड आपको दिख सकता है कई बार, ठीक है। कई बार आपको क्या दिख सकता है कि भी और डिफरेंट एनिमल है उसका शेप भी दिख सकता है। जैसे अब ये पिक्चर ध्यान से देखो, अभी है तो ये क्लाउड, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई हॉर्स हो, हॉर्स, और उसने क्या कर रखा है, अपने पैर को ऊपर कर रखे हैं, कैसा लग रहा है, जैसे हॉर्स हो, हॉर्स की तरह मुझे क्लाउड लग रहा है। तो इसलिए पोइट यानी जिसने पोएम लिखा है, पोइट वो कह रहा है एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग एंड फॉन्स। ये फॉन्स का मतलब होता है बच्चे पीले रंग का। कई बार आपको कैसे दिखाई देते हैं कि भी जो क्लाउड्स दिखते हैं, मतलब एनिमल के रूप में दिखते हैं, कई बार आपको डिफरेंट कलर के दिखते हैं, तो ये अलग अलग तरीके से आपको जो क्लाउड्स दिखाई देते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है समटाइम दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान। और कई बार आपको ऐसा लगे जैसे स्वान होता है ना, स्वान यानी कि स्वान्स का मतलब होता है बेटे हंस होता है, जैसे कई बार हंस कैसे रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जो व्हाइट कलर के स्वान यानी कि हंस दिख रहे हो क्लाउड के अंदर, यानी कि जो क्लाउड होता है वो डिफरेंट एनिमल का शेप बना लेता है। कई बार वो स्टार जैसा भी दिखता है, कई बार आपको लगेगा कि माउंटेन की तरह भी आपको क्लाउड लगेगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे भी कोई एनिमल हो, जैसे इन्होंने क्या बोला आपको, डॉग की तरह भी लग सकता है,
कई बार आपको हॉर्स की तरह भी लग सकता है। तो जैसे ये पिक्चर भी आप ध्यान से देखोगे तो ये क्लाउड का, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये हॉर्स की तरह बन के आ रहा है। तो इसलिए पोइट कह रहा है, तो क्लाउड जो आता है डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है, लाइक अ पेयर ऑफ स्वान, यानी कि हंस के जोड़े की तरह। इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो, कि भी बिल्कुल मोमेंट एकदम कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में आपको आते हुए दिखाई देंगे और फिर कुछ ही देर में वो गायब भी हो जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो, कुछ टाइम में वो आ भी जाते हैं, आपको दिखाई देंगे, बात बिल्कुल फॉर्मेशन दिखेगा घोड़े की तरह या किसी भी जानवर की तरह, और बाद में क्या वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। इसलिए यहां बोला जा रहा है इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो, कुछ ही मोमेंट में ये आते हैं और कुछ देर के बाद ये चले भी जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रिज, और कभी कभी तो ये आपको ऐसा लगेगा कि काफी देर, देखो ये लिखा है ना वर्ड, समटाइम्स दे फ्रिज, फ्रिज का मतलब जम जाना, यानी कि काफी देर तक रुके भी रहते हैं ताकि आप आराम से उसे देख सको। समटाइम्स दे फ्रिज, जैसे जम जाते हैं ना, जैसे फ्रिज के अंदर आप आइस क्यूब जम जाते हैं ना, तो वैसे ही जो ये शेप बनता है, जैसे ये हॉर्स बना हुआ है, तो कोई भी डायग्राम बन गया बादलों से, तो वो क्या होता है, फ्रिज हो जाता है, जम जाता है। आपको लगेगा कितनी देर हो गई, ये बादल वैसा की वैसे ही है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। और चेंज पता है कब आता है बच्चों, जब बारिश होती है तब चेंज आ जाता है, जब हवा बहुत तेज चलेगी तब भी चेंज आ जाएगा। अगर बारिश बहुत तेज नहीं आएगी, हवा भी नहीं चलेगी, तब आपको ऐसा लगेगा जो ये जो क्लाउड्स हैं वो क्या फ्रिज हो गए, यानी कि जम से गए हैं, ये हिल ही नहीं रहे, जैसे कि हैं वैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड फॉर वीक्स दिस डे, और कभी कभी जब स्काई बिल्कुल क्लियर होता है, एकदम साफ सुथरा होता है, काफी दिनों से अगर बारिश नहीं हुआ तो बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल क्लीन आपको दिखाई देगा। इसलिए बोला जा रहा है समटाइम दे फ्रिज एंड फॉर वीक दे स्टे, एक हफ्ते भर तक भी आपको बिल्कुल क्लियर स्काई देगा, व्हाइट कलर का बिल्कुल क्लियर स्काई आपको दिखाई देगा। ऐसा कब होता है, जब बारिश नहीं होती। और हाँ, जब बारिश होती है तब लगातार अगर बारिश होगी तब आपको जो जो क्लाउड्स है बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखेगा। कैसे कलर का दिखेगा, ब्लैक कलर का, और बिल्कुल ब्लैक ही ब्लैक, हर जगह अंधेरा दिखेगा। तब आपको होगा ये ब्लैक क्लाउड क्या हो गया, फ्रीज हो गए हैं। समटाइम दे फ्रीज इन ब्लैक कलर, समटाइम दे फ्रीज इन व्हाइट कलर, ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से। जब बारिश होनी होती है तब ब्लैक कलर में फ्रीज हो जाता है, और जब बिल्कुल क्लियर स्काई होते हैं तो भी ये व्हाइट कलर में भी हो सकता है और स्काई ब्लू कलर में भी आपको ये फ्रीज यानी कि जमा हुआ आपको दिखाई दे सकता है। आगे आपसे बोला जा रहा है एंड समटाइम दे डिसअपियर, और फिर कभी कभी तो आपको ये गायब होता हुआ दिखाई देगा, कि तुरंत आया और तुरंत गायब भी हो गया। फॉर मेनी डे, और कुछ दिनों के लिए तो क्लाउड्स आपको दिखाई देंगे नहीं, बिल्कुल क्लियर स्काई दिखाई देगा, ब्लू कलर का एकदम क्लियर स्काई दिखाई देगा, ना व्हाइट क्लाउड दिखाई देगा आपको, ना ही ब्लैक कलर का क्लाउड दिखाई देगा, मतलब किसी भी कलर का आपको क्लाउड दिखाई नहीं देगा। एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, फेयर एंड व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो क्लाउड्स है वो आते हैं। एलिफेंट एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान। अब इसमें क्या किया आपको, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का शेप जो क्रिएट करता है क्लाउड्स, उसके बारे में आपको बताया गया। फिर आगे आपसे बोला जा रहा है इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो, दे गो, क्योंकि कुछ ही देर में वो आ भी जाते हैं और कुछ देर बाद वो लोग चले भी जाते हैं। कौन, क्लाउड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। समटाइम दे फ्रिज, समटाइम दे फ्रिज एंड फॉर अ वीक दे स्टे, कभी कभी तो वो हफ्ते भर तक एक जैसे बने रहते हैं। और समटाइम दे डिसअपियर फॉर ए मैनी डे, और कई बार तो आपको ये काफी दिनों तक रुके हुए दिखाई देते हैं, व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में, और कई बार तो आपको बिल्कुल क्लियर एकदम क्लाउड आपको दिखाई भी नहीं देगा, यानी कि वो गायब सा हो गया ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। यानी कि जो क्लाउड होता है भाई, कई बार स्टे करता है और कई बार चला भी जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, भी आगे पोएम में क्या होता है भाई। समटाइम दे पोर, समटाइम दे पोर, समटाइम दे थंडर, कई बार वो क्या करते हैं, बिल्कुल पोर का मीनिंग है बच्चे उसे उथल पुथल मचाना, यानी कि जैसे कई बार ऐसे हैं, कई बार फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, यानी कि पोर का मतलब यहाँ की कंटिन्यूस चेंजेस आता है इसके अंदर। और समटाइम दे थंडर, थंडर का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है, जब बारिश आने वाली होती है, बारिश आने से पहले व्हाइट कलर की ऐसे बिजली चमकती है ना बहुत तेज, उसे थंडर बोला जाता है। तो समटाइम दे पोर, यानी कि वो अब अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, समटाइम दे थंडर, कि वो बिजली कड़काते हैं समटाइम,
स्प्रेडिंग द कलर्स, और ये ऐसा जब वो करते हैं तो कलर को स्प्रेड करते हैं अलग। जैसे ये कलर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रेनबो कलर, कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रेनबो दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये क्या करता है रेनबो कलर में आपको ये स्प्रेड होते हुए भी दिखाई देगा। समटाइम दिस स्प्रेड, जैसे बोला जा रहा है स्प्रेडिंग द कलर इन अ रेनबो वंडर, यानी कि एक रेनबो जो आश्चर्य की बात होती है कि भी जो क्लाउड्स होते हैं वो तो व्हाइट कलर का होता है। जैसे ये वाला क्लाउड देखोगे ना, ये आपको कैसा दिख रहा है, एलिफेंट की तरह दिख रहा है, तो भाई आप तो सोच रहे हो सर ये तो व्हाइट कलर का है, ठीक है, लेकिन ये व्हाइट के बाद इतने सारे कलर कहां से आ गए, तो भाई ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये वंडर, एकदम चौंकने वाली बात हो गई, आश्चर्य की बात हो जाती है। एंड सम टाइम दे हेल, और भी कभी कभी तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल ओले गिराता है। हेल का मतलब ओले, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा जब बारिश होती है तो छोटे 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 ना आइस, आइस के ऐसे आइस गिरते हैं, मतलब कि बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, पीस ऑफ आइसेस गिरते हैं, जिसे ओले भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में आप बोलो तो हेल बोलते हैं। एंड समटाइम द हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, और ये कहां पे फैल जाते हैं, ये जो ये होते हैं ये पूरे ग्राउंड में बिल्कुल फैल जाते हैं। किस तरह से, बिल्कुल मूसलाधार बारिश, बिल्कुल तेज तेज टप 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 करते हुए बिल्कुल ग्राउंड में, कहीं पे भी आपको ग्राउंड में, फर्श में, आपकी छत के ऊपर, ये क्या होता है बिल्कुल बहुत तेज बारिश आती है और ये टप 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 करते हुए गिर जाती है, ब्रेकिंग द ग्लासेस, और ऐसा लगता है जो ग्लास है, ग्लास का मतलब है जो आपके विंडो के ऊपर जो ग्लासेस होते हैं उसको ये ब्रेक करने वाले हो, ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग द ग्लाइड ग्लास इन रिंगिंग चिम्स, और ये ऐसा क्या होता है जैसे झंकार झनझन 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 टन 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 आवाज आता है, वैसे पट 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 ऐसी आवाज आती है, जैसे क्या रिंग हो रहा है एक तरह से, जैसे रिंग, जैसे मोबाइल रिंग करता है, ठीक है, यानी कि कोई बेल वगैरह रिंग करता है, वैसे ही बारिश जब आती है तो पट 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 रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं ज्यादा क्लियर होगा। समटाइम दे पॉर, समटाइम दे थंडर, स्प्रेडिंग द कलर्स इन रेनबो वंडर, कि कई बार वो क्या उथल पुथल मचाते हैं, और कई बार क्या बिजली की तड़क तड़कते हैं, कौन क्लाउड्स, और फिर बाद में क्या करते हैं वो कलर्स को स्प्रेड करते हैं, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट कलर फैलाते हैं इन अ रेनबो वंडर, और ये जो कलर फैलाते हैं कैसा, इस रेनबो की तरह। अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बताओ भी, सबसे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने रेनबो को, यानी कि इंद्रधनुष को, जो कि आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रेनबो को देखा है भाई, ठीक है, और कहां देखा है मुझे ये भी बताना भाई, क्या बताना है आपको कि रेनबो आपने देखा है या नहीं देखा है, यस और नो, फिर ये कमेंट करके दूसरा कमेंट में बताना कि भाई आपने कहां देखा है, ठीक है, अपने घर के पास देखा है या मामा के, नानी के, कहीं भी इधर उधर बुआ के गए हो, कहीं गए हो तब देखा आपने, तो मुझे कमेंट करके बताना अपने नाम के साथ क्या आपने रेनबो देखा है क्या। तो इसलिए बोला जाए स्प्रेडिंग द कलर इन अ रेनबो वंडर, और फिर वो क्लाउड्स क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर को स्प्रेड कर देता है अलग अलग जगह, और किस तरह ऐसा देखने में लगता है जिस तरह से एक वंडर हो गया, कोई आश्चर्य की बात हो गई भी, इस तरह से वो अपने कलर को स्प्रेड करता है। इन समटाइम दे हिल, और कभी कभी जब वो जो क्लाउड्स होता है वो क्या करता है ओले गिराता है, ओले यानी कि जो आइस के क्यूब्स होते हैं ना वो गिराना स्टार्ट कर देता है, पेल्टिंग द ग्राउंड, और ऐसा कहां पे होता है पूरे ग्राउंड पे, जो मूसलाधार बारिश होती है ग्राउंड पे, आपके छत के ऊपर, जो भी एरिया जहां भी बारिश होती है, बिल्कुल तेज तेज बारिश होती है, और तेज बारिश को यहाँ पेल्टिंग का मतलब है मूसलाधार, यानी कि बहुत तेज हैवी, यहाँ पे आप पेल्टिंग की मीनिंग समझ सकते हो हैवी रेन, पेल्टिंग की मीनिंग यहाँ पे क्या मूसलाधार बारिश, या भी आप बोल सकते हो पेल्टिंग रेन मीन्स हैवी रेन होना स्टार्ट हो जाता है। पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास, जो ग्लास होता है, ग्लास का मतलब जो शीशे जैसे टूटते हैं ना, जैसे टन टन आवाज आती है, वैसे ही क्लाउड्स का भाई साउंड क्रिएट होता है। इन रिंगिंग चिम्स, जो जैसे कोई टेलीफोन वगैरह या मोबाइल वगैरह रिंग करता है ना, वैसे रिंग करता है टप 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 ऐसे करके आवाज आती है। तो ये है बच्चों आपके लिए पोएम, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लाउड्स के बारे में सीखा कि क्लाउड्स क्या क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट करता है। पहले हमने क्या सीखा कि क्लाउड्स क्या करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट करता है, और फिर वो आता भी है और चला भी जाता है। तो पहले तो हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भी जो क्लाउड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो बिजली कड़काते हैं, यानी कि जो थंडर क्रिएट करते हैं, फिर वो उथल पुछल मचलाते हैं, यानी कि उल्टा पुल्टा होते रहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप को क्रिएट करते हैं और फिर उसमें गायब हो जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है वो क्या करते हैं रेनबो क्रिएट करते हैं, और ऐसा देखना बड़ा आश्चर्य की बात लगती है कि कैसे बन जाता भाई, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर वो आइस यानी कि वो क्या करता है हेल क्रिएट करते हैं, और उसे ग्राउंड पे पूरे ग्राउंड पे फैल जाता, ऐसा लगता है जैसे कोई रिंगिंग की आवाज आ रही है, कुछ गाने की आवाज आ रही है, बिल्कुल इस तरह का म्यूजिकल हो जाता है जब बारिश होती है, बिल्कुल म्यूजिकल हो जाता है।
अच्छा एक क्वेश्चन और पूछू भैया मैं, तो एक क्वेश्चन और बताना मुझे, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको भाई रेन यानी कि बारिश पसंद है और रेनबो पसंद भी आता है। मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, एक क्वेश्चन ये पूछा है कि आपने रेनबो देखा है कि नहीं देखा ये बताना, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये बताना है आपको कि भाई आपको रेन पसंद है या नहीं। ठीक है, तो मैं भी आपके आंसर का वेट करूंगा और मैं रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो जरूर अपने आंसर बताना कमेंट करके मुझे। चलो अब कर लेते हैं भी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों हम लोगों ने ये किया था प्रीवियस क्लास में। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, इट्स रेनिंग का पार्ट 1 करवाया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, याद होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था ये वाला, ये लास्ट हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सुनो भाई क्या है, ये क्वेश्चन कुछ ऊपर से स्टार्ट है भाई। चलो ठीक है पढ़ते हैं। द पोइट सॉ मैनी थिंग्स इन क्लाउड्स। जो पोइट है, पोइट मीन समबडी हु रोट हु राइट पोएम। पोइट का मतलब क्या है, समवन, मैं लिख देता हूं वैसे, समवन हु, ये आपको लिखना नहीं समझने के लिए बता रहा हूं, समवन हु राइट पोएम्स। पोइट अगर आपसे पूछे पोइट कौन होता है, जो कविताएं लिखता है उसको हम पोइट बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा भी पोइट मीन समवन हु राइट पोएम। अच्छा, द पोइट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड्स। अब आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर, यहां से अंडरलाइन करता हूं, हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड एंड व्हाट। आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कभी क्लाउड्स के अंदर कुछ देखा है क्या, अगर देखा है तो क्या देखा है मुझे ये भी बताना है आपको। नंबर 1 आपने क्या बताना है, हैव यू सीन एनीथिंग इन द क्लाउड। अगर देखा है तो यस लिखोगे, अगर नहीं देखा है आपने तो आंसर क्या लिखोगे, नो लिखोगे। ठीक है, और फिर क्या देखा है, ये लिखा है व्हाट, क्या देखा है ये भी आपको बताना है भाई, है ना, मजेदार क्वेश्चन। चलो देखो आंसर कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, यस देखा है भाई, मुझे उम्मीद है आप सबने देखा होगा भाई। मैंने क्या देखा है, मैं तो हुआ बता रहा हूं आपको, आई हैव सीन ड्रैगन्स, भाई ड्रैगन की तरह शेप हो जाता है, हॉर्स, हॉर्स भी देखा है मैंने, क्लाउड कैसे बन जाता है, हॉर्स की तरह, एंड बर्ड शेप, कभी कभी मुझे लगता है कि भाई जो बर्ड होती है ना, जितनी चिड़िया होती है उसके शेप में ये कन्वर्ट हो जाता है इन द क्लाउड। मैंने क्लाउड्स के अंदर क्या क्या देखा है, ड्रैगन देखा है भाई, बिल्कुल डेंजरस, हॉर्स भी देखा है मैंने, और बर्ड का शेप भी मैंने देखा है, इसके अलावा मैंने एलिफेंट भी देखा है भाई, मतलब लिखा नहीं मैंने, हाँ ठीक है, तो ये भी आप, ये भी मैंने देखा है, तो मैंने ये लिख दिया। तो आपने जो जो देखा है अभी वो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे, इस तरह से, यस आई हैव सीन ड्रैगन हॉर्स एंड बर्ड शेप इन द क्लाउड्स। आपको कहोगे सर हमने हॉर्स नहीं देखा है सर, हमने तो कैट देखा है सर, ओके, तो यहाँ पे कैट लिख लोगे। कुछ कहेंगे सर हमने डॉग भी देखा है सर, तो आप डॉग भी लिख लोगे। तो जिस शेप में आपने क्लाउड्स को देखा है बच्चों, ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया जा रहा है। ठीक है, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपका, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, 6 बच्चों ये था जो मैंने अंडरलाइन किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू। तो क्लाउड्स क्या क्या काम करता है आपको ये बताना है। अभी हम लोगों ने पोएम में पढ़ा, व्हाट ऑल डू द क्लाउड्स डू, क्लाउड्स यानी कि जो बादल होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं भाई। सबसे मेन काम तो ये है, वो क्या करते हैं, बारिश करवा देते हैं भाई, क्या करवा देते हैं, बारिश करवा देते हैं भाई, सबसे बड़ा काम तो उनका यही है। लेकिन जब आंसर लिखोगे बच्चों, कैसे लिखोगे, देखो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है, उसके बाद आंसर पे जाना। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे बच्चों कुछ इस तरह से, क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू, ये क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू द इवोपरेटेड वाटर। जो क्लाउड्स क्या क्या करते हैं, वो पानी जो होता है, जो आपके पास जो पानी गर्म करते हो उससे जो इवोपरेट होता है उससे तो पहले क्लाउड्स बनता है। ठीक है, क्लाउड्स यानी कि जो बादल की हम बात करें कि बादल किससे बनते हैं, जैसे आपके घर में, मैं एक ड्रॉइंग बना रहा हूं, बनाना नहीं है बस समझना है, कि आपके घर में जैसे कोई बर्तन है, मम्मी चाय बनाती है, दूध गर्म करती है या पानी गर्म करती है कुछ भी, तो ये कुछ बर्तन जब इसमें गर्म होता है तो ये आपने ये देखा होगा इवोपरेट होता है, यहाँ से पानी भाप बन जाता है, इवोपरेट होता है। जब ये इवोपरेटेड होता है वाटर, तो ये कहा जाता है, ये स्काई बादल में चला जाता है। ठीक है, बादल मतलब आसमान में चला जाता है, और फिर ये क्लाउड्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू इवोपरेटेड वाटर, यानी जो पानी आप गर्म करते हो बच्चों उससे ये बादल बन जाते हैं,
और फिर बाद में क्या होता है, द क्लाउड्स रिलीज वाटर एंड ब्रिंग रेन। और फिर जब बादल भारी हो जाता है, यानी कि बादलों में क्लाउड्स के अंदर जब ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो रेन में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे लिए बारिश आ जाती है। तो आप ये बोला है ना आपसे कि क्लाउड्स क्या काम करता है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, व्हाट ऑल डू क्लाउड्स डू, क्लाउड्स क्या क्या काम करता है, तो मेन तो यही करता है, वो बारिश लाता है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहिए बारिश आती कैसे है। तो आप लिखोगे क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू इवोपरेटेड वाटर, यानी कि जब पानी को गर्म करते हो, भाप बनता है, उससे क्लाउड्स क्रिएट होता है। ठीक है, क्लाउड्स कैसे क्रिएट होता है, पानी को गर्म करने से, जो भाप बादल में यानी बादल बनने के लिए ऊपर चला जाता है, और उसके बाद जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है तो क्लाउड्स रिलीज वाटर, जो क्लाउड्स में भारी हो जाता है तो वाटर को रिलीज करता है। ये देखो आपने पानी यहां गर्म किया, मान लेता हूं यहां से ऊपर चला गया ये, ठीक है ऊपर चला गया ये, और जब ये बहुत ज्यादा बड़ा होता चला जाता है फिर ये क्या करता है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है, भारी हो जाता है, ये बारिश 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 कर देता है, क्या करता है, बारिश करना स्टार्ट कर देता है। तो आप लिखोगे आंसर कि क्लाउड्स आर फॉर्म थ्रू इवोपरेटेड वाटर, और फिर देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि क्लाउड्स रिलीज वाटर एंड ब्रिंग रेन्स। तो क्लाउड्स क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करता है, अपने यहां से पानी को निकालते हैं, कैसे, और बारिश करके निकाल देता है। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भाई, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू एवर सीन रेनबो। देखो ये मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा है भाई, इसका आंसर वहां भी देना है आपको कि आपने रेनबो देखा है क्या, अगर देखा है तो यस लिखोगे, अगर नहीं देखा है तो भाई नो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, अब आप कब रेनबो को देख सकते हो मुझे ये बताना है भाई, कि रेनबो को हम लोग कब देख सकते हैं ये बताना है, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो, रेनबो को तुम लोग कब देख सकते हो ये भी बताना। तो भाई सब लोग कहेंगे सर बारिश के बाद आता है रेनबो, तो उससे पहले तो नहीं आ सकता, तो पहले आप आंसर लिखोगे यस, अगर देखा है तो यस। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने रेनबो को जरूर देखा होगा, मैं क्या कर रहा हूं ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने रेनबो को देखा होगा भाई। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो वो आंसर अपना सिंपली क्या लिख देगा, यहाँ पे नो लिख देगा, मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो मैंने लिखा यस आई हैव सीन रेनबो ट्वाइस, यानी कि मैंने दो बार रेनबो को देखा है, यानी कि ट्वाइस की मीनिंग क्या होगी, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, कि मैंने रेनबो को कितनी बार देखा है, ट्वाइस। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने तो तीन बार देखा है, तो लिखोगे ट्राइस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने तो एक ही बार देखा है, तो वो बच्चे क्या लिखेंगे, वंस लिख लेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे आंसर यस आई हैव सीन रेनबो ट्वाइस, रेनबो कैन बी सीन व्हेन सन रे, अब रेनबो कब देख सकते हैं हम लोग, रेनबो कैन बी सीन व्हेन सन रे, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है उसका जो रेज आते हैं, किरणें आती है, उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। भी इस तरह आप लिख सकते हो कि रेनबो कैन बी सीन व्हेन सन रे फ्रॉम बिहाइंड फॉल ऑन ए रेन ड्रॉप, यानी कि जो रेन ड्रॉप है, जैसे ये पानी की बूंद में थोड़ा बनाता हूं भैया, हंसना मत भैया गंदा बने, तो मान लो ये ड्रॉप वाटर, ये पानी का ड्रॉप है। ठीक है, अब इसे सपोज कर लो ये क्या है, वाटर ड्रॉप है ये, जो वाटर ड्रॉप जो आपके पास होता है, ठीक है, ये इसके ऊपर अगर पीछे से सूरज की रोशनी आ जाए, यहां से पीछे से रोशनी आ जाए, तब इसमें रेनबो ये फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जब वाटर का जो ड्रॉप होता है, ये वाटर का ड्रॉप मान लो, अगर इसके पीछे से सन रे सूरज की रोशनी आ जाए, ये सूरज है इसकी रोशनी आ जाए, तब ये क्रिएट होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब रेन स्टॉप हो जाता है, उसके बाद जब सन आता है, तब रेनबो फॉर्मेशन होता है, समझने के लिए। तो ये आप लिख सकते हो रेनबो कैन बी सीन व्हेन द सन रे फ्रॉम बिहाइंड फॉल ऑन द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप के जो बिहाइंड में सन रे आएगा, यानी सूरज की रोशनी किरणें आएगी, तब जाके रेनबो क्रिएट हो सकता है। या सिंपली आप लिखना चाहो रेनबो कम आफ्टर द रेन, ठीक है, क्या लिख सकते हो बिल्कुल, अगर बहुत सिंपल लिखना है किसी को, तो आप लिख सकते हो रेनबो कम आफ्टर द रेन, रेनबो कब देख सकते हैं हम, आफ्टर द रेन, यानी कि रेन के बाद ये आता है तो हम रेन के बाद देख सकते हैं, तो रेनबो कम आफ्टर द रेन, व्हेन यू कैन सी द रेन रेनबो, वी कैन सी द रेनबो आफ्टर द रेन, कब देख सकते हैं, आफ्टर द रेन, या आप लिख सकते हो रेनबो कम आफ्टर द रेन, यानी कि बारिश के बाद रेनबो आता है। कैसे फॉर्म में दिखता है आपको, जो वाटर जो ड्रॉप होता है, यानी कि रेन का जो पानी आता है बच्चों, अगर उस पर रेनबो सन का रे अगर पड़े, यानी कि सूरज की रोशनी पड़ेगी, तब हमें रेनबो दिखाई पड़ता है। ठीक है,
चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, 9 में आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन। ओ ये तो भाई आपका क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब बारिश होती है तब आप कैसा फील करते हो, हैप्पी, सैड, इंजॉय करते हो, बुरा लगता है, जो भी आपको लगता है आप अपने अकॉर्डिंग आंसर करना। मैं तो भाई अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रहा हूं, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन। जब मैं अपनी बात करूं कि मुझे तो बहुत खुशी होती है जब बारिश होती है, कि भाई मुझे तो बारिश में खेलना भी पसंद है, इसलिए मैंने क्या लिखा, आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन। कुछ बच्चे कहेंगे आई डोंट लाइक रेन, कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है बारिश, क्योंकि मेरे कपड़े गंदे कर देता है सर, कीचड़ कीचड़ हो जाता है, मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, मैं गीला हो जाता हूं, मैं बीमार पड़ जाता हूं। कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, तो आप लिख सकते हो आई, तो आप ये बोल सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है इसका, आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी व्हेन इट रेन। और जो बच्चे जिनको बारिश पसंद नहीं है वो लिख सकते हैं आई डोंट लाइक रेन, सिंपली आई डोंट लाइक रेन, लेकिन मुझे तो पसंद है भाई, तो मैंने क्या लिखा है आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी, मैं मुझे बहुत खुशी होती है जब बारिश होती है भाई। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अच्छा 9 के बाद ये मैंने करवाया आपको क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 में क्या है, 10 में आपसे पूछा जा रहा है अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन, कि भाई बादलों को छोड़ करके जब बारिश होती है, क्लाउड्स को छोड़ के आप और क्या क्या चीज देखते हो उसके बारे में बताओ, कि जब बारिश होती है तो बादलों को छोड़ के आप क्या क्या देखते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो आप और क्या क्या चीज देखते हो उसके बारे में बताओ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपने क्या बताना है कि बारिश के अलावा जो भी चीज आप देखते हो आसपास में उसके बारे में आपने बताना है। तो आंसर लिखोगे बच्चों को जिस तरह से, व्हेन इट रेन इट यूजली अकंपनीड विथ थंडर, जब बारिश होती है तो उसके साथ कौन कौन क्या क्या चीज आती है, थंडर, यानी कि भाई जब थंडर की मीनिंग यहाँ पे ये है बच्चे कि भाई बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है, यानी कि बहुत तेज आवाज आती है, बिजली कड़कती है, बिल्कुल बहुत तेज हवा भी चलती है भाई। बारिश जब आती है तब क्या क्या होता है कि थंडर होता है, यानी कि बिजली कड़कती है खूब तेज, लाइटिंग होती है एकदम, वो होता है ना जैसे लाइट आ गई, लाइट चली गई, इसी तरह से लाइटिंग होती है कुछ, जिस तरह से ऐसे करके लाइट जाती है ना, लाइट आती है, बिजली कड़कती है, और उसके अलावा बहुत तेज हवा चलती है, यानी कि आप बोल सकते हो स्ट्रांग विंड भी होता है। और कुछ कहेंगे सर अंधेरा भी हो जाता है सर, हाँ ये भी कह सकते हो कि डार्कनेस क्रिएट हो जाता है। तो आप आंसर लिखोगे व्हेन इट रेन इट यूजली अकंपनीड विद, कि जो बारिश होती है तब वो किसके साथ आती है, वो थंडर यानी कि बिजली कड़कती है, लाइटिंग होती है, और लाइटिंग के अलावा आंधी चलती है, यानी कि आंधी को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रांग विंड, यानी कि बहुत तेज हवा चलती है भाई। जब बारिश आनी होती है थंडर लाइटिंग एंड स्ट्रांग विंड कंपनी उसके साथ साथ आती है, यानी कि बारिश के साथ साथ क्या क्या आता है, एक तो बिजली कड़कती है, बहुत लाइटिंग होती है, और इसके अलावा क्या होता है स्ट्रांग विंड, यानी कि बहुत एक आंधी चलती है, यानी जो विंड जो नॉर्मल विंड स्लो चल रही होती है, जब रेन होने वाला होता है तब ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत स्पीड इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भाई। तो 11 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट हैपन व्हेन इट रेन। ओ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कि व्हाट हैपन व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है तो क्या होता है आपको ये बताना है भाई। आप कहोगे सर हम तो गीले हो जाते हैं सर, हमारे यहाँ पानी भर जाता है सर, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर लिखोगे कुछ इस तरह लिखोगे, व्हेन इट रेन द वेदर बिकम वेरी कोल्ड, जो वेदर होता है कैसा हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है। वेदर कैसा होता है, ठंडा हो जाता है, यानी कि पहले अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आपको सर ऐसा लगता है जैसे विंटर का सीजन आ गया हो, ठंड लगने लग जाती है, ऐसा लगने लग जाता है जैसे विंटर का सीजन क्रिएट हो गया, जैसे अभी मान लो समर था, समर के बाद एकदम सडनली ऐसा लगता है जैसे विंटर आ गया, लेकिन भाई विंटर नहीं आता है वो तो बारिश की वजह से आपको ठंड लगने लग जाती है। तो आप आंसर लिखोगे व्हेन इट रेन वेदर बिकम वेरी कोल्ड, जो वेदर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। तो आंसर लिखोगे व्हेन इट रेन द वेदर बिकम्स वेरी कोल्ड, जो वेदर होता है बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है ना, ऐसे ही होता है क्या, गर्म तो नहीं होता ना, मुझे बताना भाई आप लोग को कैसा लगता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन भी आपका होने वाला है, लेकिन एक एक्टिविटी भी लास्ट में मैं करवाऊंगा, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा वक्त मैं देने वाला हूं। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में आपसे बोला जा रहा है व्हेन इट रेन
मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग देम ऑन वाटर इज रियली फन, इज इट। आपसे ये पूछा जा रहा है, जब बारिश होती है तो पेपर बोट, जो पेपर बोट जो होता है ना बेटा, पेपर बोट, वो उसको चलाने में बड़ा मजा आता है भाई, ठीक है। और उसको फ्लोट करना यानी उसको तैरने में, पानी में उसको चलाने में, उसको तैरवाने में हमें बहुत मजा आता है, ठीक है। जो कि वाटर यानी पानी जहां भर जाता है, कागज की नाव बना के चलाने में बड़ा मजा आता है भाई, मुझे तो आता है। अब आप लोगों से पूछ रहा, आप लोग बताओ भाई, आप लोगों को आता है या नहीं आता है, मुझे जरूर बताना भाई, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे आंसर अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, यस इट इज सो मच फन, ये क्या होता है, बहुत मजेदार होता है, बहुत फन होता है इसमें, बहुत मजा आता है इसके अंदर। तो मैंने क्या लिखा, यस इट इज सो फन, यानी कि जो नाव बनाते हैं ना, अभी देखो मैं ड्रॉइंग बना रहा हूं, अब हंसना मत मेरे ऊपर भाई कि सर आपने अच्छा नहीं बनाया, कुछ ऐसा ही होता है ना, कुछ नाव पता नहीं ऐसी कुछ होता है ना, ये कुछ इसका झंडा सा फ्लैग होता है यहाँ पे, और ऐसे नाव हम लोग बनाते हैं ना कुछ कुछ। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ जहां पे मैं आपको एक ये सिखा रहा हूँ, उसके अंदर सिखा गया कि पेपर बोट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमें तो ऑलरेडी आता है पेपर बोट बनाना, तो जिस बच्चे को नहीं आता भाई वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि पेपर बोट कैसे बनाना, और उसके बाद फ्लोट भी करना, उसे तैरना भी है, उसे कैसे तैरेगा, उसे आपको पानी में डुबाना की चलाना भी है उसको, ठीक है, फ्लोटिंग भी करानी है आपने, ठीक है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के लिए, कि भाई सबसे पहले तो आप आंसर लिखोगे इसके, ये रहा कि भाई व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है, मेकिंग पेपर बोट एंड फ्लोटिंग डैम इज, ये बहुत फन की बात होती है। हाँ भाई बिल्कुल होती है। अब आप लोग मुझे बताना कि भाई आप लोगों को नाव बना के चलाना पसंद है या नहीं है, ठीक है। चलो अब ये तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12। अब लास्ट में एक छोटा सा एक्टिविटी है आप लोगों के लिए, कि आपने क्या करना है, जो कि मैंने अभी बोला आपको कि भी इसे क्वेश्चन नंबर 13 मान लेता हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपने क्या करना है, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये खुद से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों आप लोगों को क्या करना है, एक पेपर बोट बनाना है आपने, तो मेक पेपर बोट एंड फ्लोट ऑन ए वाटर, जब पानी बारिश होगी तब के लिए आप बना के रख लो भी ये पहले से, कि यार उसके बाद उसे फ्लोट कराना है, उसे चलाना है आपको पानी के ऊपर, ठीक है। तो 13 में जो क्वेश्चन है ये आपने करना है, और बाद में मुझे ये मेरे ग्रुप वगैरह में सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं देखूंगा आप सबका कि भाई आपने पेपर बोट कैसा बनाया, आज जिसको बनाना नहीं आता डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया आपको, वहां से देखकर आप बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं नहीं करवाऊंगा भाई, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 14 और समझ लो भाई, ये भी बड़ा मजेदार है, जो कि आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं कराऊंगा भाई, कहीं सोच रहे हो भाई, बहुत इजी है, मुझे मालूम है आप लोगों को मजा भी आने वाला है, कैसे, चलो पहले पढ़ते हैं। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग रेन, जब बारिश होती है तब आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो ये बताना, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा हैव यू सीन एनी वन एज हैविंग अ प्रॉब्लम ड्यू टू रेन, कि आपने किसी और को देखा है, अभी आपको हो सकता है मजा आ रहा हो बारिश की वजह से, लेकिन कभी आपने किसी दूसरे को देखा है प्रॉब्लम फेस करते हुए, तो या तो आपने प्रॉब्लम फेस की होगी, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने, या आपने किसी को देखा है कि रेन की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हुए, तो उससे रिलेटेड आपने क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन रेन, कि बारिश में आपने कैसा महसूस किया, कोई प्रॉब्लम फेस की है, तो उससे रिलेटेड आपको इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, एक पिक्चर ड्रॉ करना है। सपोज कि भाई आप क्या अपने घर से, मान लो ये मैं थोड़ा सा बना रहा हूं कि आप अपने घर से भाई स्कूल की तरफ जा रहे थे, ये आपका होम है, ठीक है, ये आपका होम है, आप जा रहे थे स्कूल जा रहे थे, अपना कहां जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ, रास्ते में बारिश हो गई और आप क्या हो गए, भीग गए भाई, ठीक है, क्या हो गए, थोड़ा अच्छा नहीं बना, अब ये हंसना मत भाई, अब जैसे अब ये बैग लेके जा रहे थे और एकदम ये क्लाउड आया और यहाँ पे बारिश होने लगी, क्या होने लगी, बारिश होने लगी, और आप क्या हो गए, भीग गए, क्योंकि ये क्या सर, ये भाई स्कूल है आपका, सपोज ये स्कूल है आपका और ये आपका होम है, तो अब जब जा रहे तो बारिश होने लगी और भीग गए आप, तो आपके कपड़े खराब हो गए, ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ हो आपके सामने तो भी ऐसी पिक्चर आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपने किसी और को देखा है परेशान होते हुए रेन की वजह से, तो उसका पिक्चर आपको ड्रॉ भी करना है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में जो आपके लिए दो एक्टिविटी जो आपको करनी है, एक तो ये करना है कि आपको पेपर बोट बनाना है, क्या बनाना है, पेपर बोट, ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, जो कि आपको खुद से करना है, और 14 में आपने क्या करना है, एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है, लेकिन ऐसी नहीं, सुंदर सी बनानी है और अच्छे अच्छे कलर भी करना है उसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका जो चैप्टर है बेटा इट्स रेनिंग, ये हो गया आज कंप्लीट, यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 9 तक ईवीएस में कंप्लीट कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने किसी का कोई चैप्टर मिस हो गया, नहीं पता लग पाया,
तो वो बच्चे डिस्क्रिप्शन से सारे चैप्टर देख सकते हो, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक सारे चैप्टर आप ईवीएस के देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा जो बोर्ड बनाना है, पेपर बोर्ड ये कैसे बनाना है, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप वो भी देख सकते हो। और हाँ, जाते जाते भाई वीडियो को लाइक करके जाओ अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, ठीक है, और अपने फ्रेंड में शेयर भी करना इसे, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।